नमस्कार, मैं अल्बिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7। हमारे संवाददाता अमरनाथ पांडे की रिपोर्ट। नवागढ़ मधुबन की रहने वाली BCCL कर्मी विधवा उर्मिला देवी ने शुक्रवार को प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि रुद्र ग्याली, जो कि ब्राह्मण डीहा तुंडू का निवासी है, उसने 4,16,000 का निकासी झांसा में लेकर कर लिया है। वहीं उर्मिला का कहना है कि ये रकम LIC का मैच्यूटी मिलने वाला था, जो धनबाद के ASAF बैंक सराय ढेला ब्रांच धनबाद में चेक क्लियरेंस करने के लिए बैंक में खाता खुलवाया गया। इसके बाद मेरा चेक बुक कर पूरे पैसे की निकासी रुद्र प्रताप व खालिद अंसारी उर्फ टिंकू द्वारा कर लिया गया। रुपए मांगने पर दोनों शख्स ने मेरे ऊपर ही मेरे चेक पर गलत हस्ताक्षर करके 5,00,000 रुपए भर कर मेरा ही चेक बाउंस कर मेरे ऊपर केस कर दिया गया, जो कि मैं बैंक व प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई हूं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की हूं। इस मामले पर उर्मिला देवी अपना इंसाफ न मिलता देख मानवाधिकार अपराध नियंत्रण सदस्य शिल्पी शर्मा के पास पहुंची और अपनी पीड़ा को रखी, जिस पर शिल्पी शर्मा ने पड़ताल के बाद दस्तावेज व कागजात हासिल किया, जिससे पता चलता है कि ग्याली व अंसारी ने धोखा कर महिला के साथ पैसे का लेन देन में धोखाधड़ी किया है। साथ ही उक्त महिला को आगे कानूनी प्रक्रिया से इंसाफ का भरोसा भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहते हैं? शनिवार सब में ड्यूटी करते हैं, वहाँ क्वार्टर में रहते। क्या मामला है आपके साथ? मामला ये भी उधर ग्याली या टिंकू में जाके और सब के बगल में डॉक्टर बिठारे, उन्होंने खाता खुलवाया, बोला कि यही खाता में लॉन्ग वाला पैसा LIC वाला पैसा जाएगा। अभी तक हमको पासबुक ATM चेक कुछ नहीं मिला। उसको हम 3-4 महीना से रिक्रूट किए से भाई देखो एक जगह का आदमी है, झगड़ा झाँटी नहीं होना चाहिए, दे दीजिए। हम तो हम एक दिन बोल बोल के भाई नहीं दीजिएगा तो माता ले पाए, बोला हाँ बढ़ाओ हम दे दीजिए। लड़का मिला और सब ड्यूटी करता है, तो मैंने इन लोग को सामान हमको फोन से दिया, तब इन लोग से हमको भाग मिला था। आपका पैसा कितना गमन किया है? पैसा हमारा 4,13,000 LIC से गया है, उसका 2,50,000 खत्म। उसके बाद हमको मैंने 1,00,000 कितना बिल बढ़ा इसी बिल में हमको घुसा है, उसके बाद आई तो हमको पैसा घुस गया। मांगने पर क्या लोग मांगने पर बोला कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर देंगे। अब आप उल्टी हमारा साथ वो केस पैसा होता है, वो भी हमको करा ली, हमको वो भी हमारा गया 4,13,000, 5,00,000 के ऊपर हमको केस भी कर गया। यही उनको इंसाफ है हिंदू धर्म में, जात का ब्राह्मण यही कर रहा हमारे साथ। क्या चाहते हैं? हम पैसा अपना सब चाहते हैं, नहीं तो आप लोग का भरसा में दिला दीजिए। आप लोग के पास आए हैं आसानी के लिए, मधुबन थाना गए थे मेरू साहब को लेके, अभी तक हमको कोई सुनवाई नहीं। वो जहाँ सड़ना पे के हुआ भी गए थे तो वहाँ तो लिख के दिया है। कहना है कि आपके पास शिकायत लेके हो गई है, तो इस मामले को आपने देखा है जी? क्या है मामला ये है कि इनके अकाउंट से 4,13,000 का निकाला गया है। जब मैंने इनसे ये बातें पूछी तो इन्होंने मेरे को सारी बातें बताई कि इनके अकाउंट नया एक फर्जी अकाउंट खुलवाया गया जिससे कि इनके पैसे सारे निकाल लिए गए। और जब मैंने बैंक जाके पता किया, सारा स्टेटमेंट सारा कुछ मेरे पास सबूत है, खालिद और रिंकू उर्फ रिंकू खान और रुद्र ग्याली के खिलाफ। जबकि मैंने जाकर बैंक से बातें की तो पता चला कि उनका ATM, पहले उन्होंने कहा रुद्र ग्याली ने मेरे पास कोई ATM पासबुक नहीं है, और जब मैं बैंक गई तो वहाँ से इनके नाम का सारा चिट्ठा इनका खुल गया, क्योंकि मेरे पास पूरा सबूत है बैंक से। और इसमें यह है कि जितने भी इनके पैसे निकाले गए हैं वो रुद्र ग्याली और साथ में टिंकू खान, जो कि खालिद खान के नाम से भी जाने जाते हैं, ये दो जन मिलके इनके साथ पूरी एक सोची समझी साजिश करके। लोग कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? एक है जो रिंकू खान है, टिंकू खान सॉरी, वो रहते हैं आपका सिजुआ खान है, वो अंगार पक्षा में रहते हैं। और जो रुद्र ग्याली है वो उर्मिला जी के ड्यूटी में ही वो भी काम करते हैं, वो भी के ही रहने वाले हैं। इन्हें भरोसे में अपने ले के सारा काम इनके साथ किया गया। अच्छा, इन्होंने अपने पैसे का हिसाब मांगा, उन्होंने इनके ऊपर
का चेक बाउंस केस डाल दिया है कोर्ट के थ्रू। अब ये बेचारी इतनी परेशान है, आप बताइए कहाँ का न्याय है कि आप इनके पैसे भी निकाल के खा रहे हो सारे दोनों मिलके आप लोग, और उसके बाद एक विधवा औरत के ऊपर आपने केस भी डाल दिया। आपका ये संस्कार जो है ये बतलाता है कि आप कितने गलत हो। उसके बाद जब मैंने टिंकू खान से मैंने बात करने की कोशिश की है तो वो मेरे को कह रहे हैं मैं इनको जानता हूँ, मैं ये नेता के पास जाऊँगा, मैं वो नेता के पास जाऊँगा। मैंने कहा आपको जिसके पास जाना है जाओ, पर उर्मिला देवी को हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे और ये है पक्का सबूत। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.